हेलो एवरीवन। तो सरफेस केमिस्ट्री का आज हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। तो फिर ठीक ठाक चल रहा है ना सबका पढ़ाई? आराम से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। पूरा अपडेट रहें, जहाँ तक पढ़ाई हो चुका है वहाँ तक पूरा क्या करें, पूरा अपडेट रहें आप लोग। तो आज का लेक्चर जो है एप्लीकेशन ऑफ एड्स ऑप्शन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एड्स ऑप्शन। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाएंगे आपको कैटालिसिस। क्या चीज? कैटालिसिस। तो आज दो बातों पर हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट वन आपका एप्लीकेशन ऑफ एड्स ऑप्शन, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको अधिशोषण के अनुप्रयोग, अधिशोषण के अनुप्रयोग, ठीक है। पानी पड़ रहा है अभी, चलिए अच्छा है। तो अधिशोषण के अनुप्रयोग देखने वाले हैं कि जो अधिशोषण हम लोग सीखे थे उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो आप लेक्चर को ध्यान से सीखेंगे, देखेंगे, और वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। दूसरी बात, जो भी चैप्टर आप देख रहे हैं सीरियल वाइज देखें आप। यदि ज़्यादा बेनिफिट आपको उठाना है, ज़्यादा लाभ उठाना है, तो जो भी चैप्टर है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको, उस वीडियो को सीरियल वाइज यदि आप देखेंगे तो फिर आपको डाउट आने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बीच बीच से वीडियो मत देखें आप लोग को, है ना, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यदि आपको ठीक से समझना है, अच्छे से समझना है पूरा, तो वीडियो को सीरियल वाइज देखें। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होने वाला, सीधा बात, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एड्स ऑप्शन। चलिए आइए, तो हेडिंग लगा दें। हेडिंग है आपका एप्लीकेशन ऑफ एड्स ऑप्शन। इसका मतलब होता है अधिशोषण के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब उपयोग। इसका उपयोग कहां कहां, थोड़ा देख लें आरआई के लिए। हाँ सही है, चलेगा। अधिशोषण के अनुप्रयोग मतलब अधिशोषण का उपयोग कहां कहां होता है। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे घटना है जो अधिशोषण का है, हमें उसको पहचानने की जरूरत है। और उम्मीद करते हैं हम पहचान ही लेंगे, टेंशन नहीं है, क्योंकि उधर जो लेक्चर हुआ है उसमें आपको अच्छी तरह से आपको बता दिया गया है, है ना। मैकेनिज्म सीखे, एब्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्सॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, है ना। तो ये सारी बातें फिर हम लोग सीख चुके हैं, और आज हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पढ़ने से ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और क्यों पढ़ते हैं। आखिर विदाउट एप्लीकेशन, यदि आपको एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है तो फिर आपको मज़ा नहीं आने वाला, चूँकि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डील करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कहाँ कहाँ होता है, एक बार लेक्चर को ध्यान से सुन लें, उसके बाद फिर लिखना तो है ही, बिना लिखे तो काम चलने वाला नहीं है, लिखना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले आप सुन लें। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले देखा जाए तो इसका जो उपयोग होता है ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, आर्द्रता पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। आर्द्रता पर नियंत्रण कैसे होता है, जैसे कि आप ले लें सिलिका जेल लेंगे या फिर एल्यूमिनियम जेल ले सकते हैं। तो ध्यान से, मतलब कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब आप बोल सकते हैं आर्द्रता पर नियंत्रण। मतलब कोई जगह है, जैसे मान लिया जाए कोई जगह है और यहाँ पे जो है नमी है, यहाँ पे क्या है आपका नमी भरा पड़ा है, नमी यानी कि जलवाष्प आप बोल सकते हैं, ठीक है, नमी है। जैसे बरसात का मौसम, अभी पानी जैसे पड़ रहा है,
तो हवा में क्या आ जाता है, नमी आ जाता है। क्या आ जाता है, नमी। नमी हवा में जब नमी आएगा तो सभी जगह नमी होंगे। तो बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो नमी के प्रेजेंस में, नमी के उपस्थिति में वो खराब हो जाते हैं, और उसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में रख देंगे, ये जो गोल गोल दिख रहा है इसको आप बोल सकते हैं ये सिलिका जेल हो सकता है, और क्या चीज, एल्युमिनियम जेल। तो ये क्या करेगा, ये जो सिलिका जेल लीजिए या फिर एल्युमिनियम जेल लीजिए, इसका काम क्या है, ये जो आपका ह्यूमिडिटी है इसको क्या करेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। ये क्या करेगा, एडजॉर्ब मतलब अधिशोषित कर लिए जाएंगे इसके द्वारा। तो जो ये आपका नमी है ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सब जमा हो जाएगा, सब इसके सरफेस पे आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ का जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, वो कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन आप याद रखेंगे वो है आपका, आप किसको कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद हाई वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, हाई वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। हाई वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे मान लीजिए एक पाइप है जिसको, इसको बोल दें आप क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, इसको निर्वात पंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात पंप, है ना। वैक्यूम ट्यूब है मान लीजिए, या वैक्यूम पंप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, वैक्यूम पंप बोल सकते हैं। और ये वैक्यूम पंप क्या करता है, ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, आप क्या लिख सकते हैं इसको, मिटाने वाला कहाँ है, अच्छा वैक्यूम पंप। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप के अंदर जो होता है आपका चारकोल होते हैं। क्या होते हैं, चारकोल, समझिए बात को, चारकोल। तो पहला एप्लीकेशन आपको ये बता दिए, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको समझा रहे हैं अभी, समझ लीजिए तो फिर आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मतलब आप ह्यूमिडिटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे किसी जगह आपका नमी है, बहुत ज्यादा नमी है, तो उस जगह पे क्या रख देंगे, सिलिका जेल रख सकते हैं या फिर एल्युमिनियम जेल रख सकते हैं। और वहां पे रख देने के बाद जो ये नमी है, ये सारे नमी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, मतलब एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वो स्थान का जो नमी है कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, तो ये कौन सा फेनोमेना है, ये भी आपका है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि ये जो सिलिका जेल है या फिर एल्युमिनियम जेल है इसके ऊपर आके क्या होता है, जमा हो जाता है। हाँ ठीक आ रहा है, इसको मान लें वैक्यूम पंप है, ये क्या आपका वैक्यूम पंप है, ठीक है। और किसी पार्टिकुलर जगह का आप इवैक्यूएट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इवैक्यूएट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका जो गैस है, मान लीजिए यहाँ पे जो गैसेस हैं, यहाँ पे जो गैस है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई गैस ना रहे, यहाँ पे कोई गैस ना रहे। आपको प्रैक्टिकली बताया जा रहा है, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। तो वैक्यूम पंप, वैक्यूम निर्वात पंप जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्वात पंप में इसका यूज कर सकते हैं आप। निर्वात पंप में क्या होता है, चारकोल पाउडर होते हैं, क्या होते हैं आपका, चारकोल पाउडर होते हैं। तो जिस सिस्टम से, जैसे कि ये इसका उपयोग, जैसे आपका मतलब कोई रिएक्शन है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है डायरेक्ट, तो और हम नहीं चाहते कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, तो उस स्थान को क्या करना पड़ता है, इवैक्यूएट करना पड़ता है, मतलब निर्वात करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, निर्वात। अब निर्वात करने के, निर्वात का मतलब, बात का मतलब वायु होता है, निर्वात का मतलब वायु नहीं है, खाली वायु भी नहीं, वैसे स्थान जहाँ पे वायु, निर्वात कर देना। जैसे आप लोग सुने होंगे ट्रेन पर जब चढ़ते हैं तो बोले गाड़ी को वैक्यूम कर दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब, आप यदि कोई रिएक्शन है
उसको वहां करवाना चाहते हैं जहां पे वैक्यूम हो, मतलब निर्वात हो, तो सबसे पहले इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तो इवैक्यूएट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक पंप लेते हैं और इसको बोलेंगे वैक्यूम पंप बोलेंगे, जिसको बोलते हैं निर्वात पंप बोलते हैं, और इस सिस्टम से इसको लगा देंगे। तो यहाँ का जितने भी गैसेस हैं इस चारकोल के पाउडर पे क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा और ये गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सब का सब क्या होगा, हद तक ये सारे गैसेस मतलब चारकोल के पाउडर पे आपका एडजॉर्ब हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा और ये जो सिस्टम है ये गैस सब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब है ना, उसके बाद कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, उसके बाद और बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं मतलब इसका एप्लीकेशन में, जैसे गैस मास्क, गैस मास्क ठीक है, गैस मास्क जो यूज होता है कॉल माइंस में, कहाँ होता है बच्चे, कॉल माइंस में आपका क्या होता है, गैस मास्क का यूज होता है। क्योंकि जो कॉल माइंस होते हैं, कोयला का जो खदान होता है, उसके कोयला खदान है मतलब जमीन के अंदर जाना पड़ता है, तो उसके अंदर जो काम करते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, तो वहाँ जब कोयला के खदान में विस्फोट किया जाता है कोयला को तोड़ने के लिए, है ना, कोयला का पहाड़ बना रहता है उसको तोड़ने के लिए, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारा जो है पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, विषैली गैस निकलते हैं। तो आदमी यदि कोई, तो ये कॉल माइंस के अंदर जो है पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, क्या निकलते हैं, पॉइजनस गैसेस निकलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है तो ये सांस लेगा इसको पॉइजनस गैस को, तो क्या होगा, मर सकता है। तो जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हम लोग मास्क लगाते हैं कोरोना वायरस को रोकने के लिए, ठीक उसी प्रकार एक स्पेशल टाइप का मास्क होता है जिसके अंदर, उस मास्क में आपका मतलब चारकोल होता है, क्या होता है, चारकोल पाउडर होता है। अब ये चारकोल पाउडर क्या करता है, जो विषैली गैसें होते हैं उसको क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है, मतलब ऊपर ही रोक लेता है, अंदर जाने नहीं देता है। कहने का अर्थ है ऑक्सीजन जा सकता है, जैसे कि आपको उदाहरण बता रहे हैं, जैसे आपका ये मास्क है, ये क्या आपका मास्क है, तो कहने का मतलब जो विषैली गैसें हैं और इसके इसके जो सतह होता है, अंदर जो कवर होता है, इसके अंदर क्या रहता है, चारकोल पाउडर रहता है, इसके अंदर क्या रहता है आपका, चारकोल पाउडर रहता है। और लोग जब इसको लगाते हैं तो होता क्या, जो चारकोल पाउडर है, जो विषैली गैसें हैं, वो क्या करता है, अपना अपर सरफेस पे ऊपर ही क्या करता है, रोक लेता है, मतलब वहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेता है, जमा कर लेता है, संचित कर लेता है, और लोग जो है मरने से बच जाते हैं, विषैली गैस के प्रभाव से आने से बच जाते हैं। तो कॉल माइंस में होता है, कहाँ हो रहा है आपका, कॉल माइंस में हो रहा है। तो गैस मास्क को बनाने में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। और बहुत सारे मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब होता है औषधि, बहुत सारा औषधि क्या करता है, जो आपका रोगाणु है, जो रोग है या जो जीवाणु है, उसको क्या करता है, अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है और रोग से बचाता है। तो बहुत सारे औषधि ऐसे भी हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ होता है तो क्रीम आता है आपका, है ना, इस टाइप का, जैसे आपका ये क्रीम है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको कहीं खुजली वगैरह हो रहा है या फिर जो भी है, तो कहने का मतलब वो तो किसी कीटाणु कारण, जीवाणु कारण होता है। तो मान लीजिए इसको यहाँ पे लगा दिए, सरफेस पर लगा दिए, तो इसका काम क्या है, जो रोगाणु होता है वो अपनी ओर खींचता है, अपने सरफेस पर क्या करता है, जमा कर लेता है और उसको मार देता है, बीमारी से बच जाते हैं। तो औषधि के रूप में किया जाता है। तो बहुत सारा जो है दवा, जो मतलब अधिशोषित करके, अधिशोषण करके रोगाणुओं को अधिशोषित करके अपने ऊपर और उसको मार डालता है और हम रोग से बच जाते हैं। तो मेडिसिन के क्षेत्र में भी होता है, कहाँ होता है, मेडिसिन के क्षेत्र में भी आपका होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इस तरह से बहुत सारे हैं, है ना। उसके बाद फिर बोल सकते हैं सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, और जो इसका उपयोग है, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। अब ये सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट मतलब समझते हैं अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, और निष्क्रियम कौन आ जाएगा, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, और एक आर होता है, रेडॉन, आर एन,
तो ये सारे के सारे जो गैस है इनर्ट गैस है। मान लीजिए आपका जो है दो गैस मिक्स है, दो गैस मिक्स मतलब जैसे एक कंटेनर है उसमें आपका हीलियम है और प्लस मान लीजिए नियोन है, ये गैस है, दो इनर्ट गैस है। तो देखिए आपका अधिशोषण आपको बता चुके हैं कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, किस पर करता है, नेचर ऑफ मतलब एडजॉर्बेट पर करता है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट मतलब यहाँ गैस है तो यहाँ पे एडजॉर्बेट कौन हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे चारकोल पाउडर डाला जाएगा या फिर मान लीजिए सिलिका जेल हो या फिर आपका मान लीजिए एल्युमिनियम जेल हो जो भी हो या फिर आपका चारकोल पाउडर हो, ऐसा पाउडर डालेंगे यहाँ पे, ऐसा पाउडर रखेंगे कि इनमें से एक गैस मान लीजिए नियोन क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा, इस चारकोल पाउडर पे क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। तो बचेगा कौन, हीलियम मान लीजिए नहीं हो पा रहा है। तो आपको पहले बता चुके हैं जो अधिशोषण होता है एडजॉर्बेट पर निर्भर करता है, एडजॉर्बेट के नेचर पर करता है, तो सभी गैसें अधिशोषित नहीं होती है। तो कहने का मतलब हमें यदि पता है कि किस प्रकार के चारकोल पर या फिर सिलिका जेल हो या एल्युमिनियम जेल पर कौन सा इनर्ट गैस क्या करता है, आपका अधिशोषित होता है मतलब एडजॉर्ब होता है, तो उस टाइप का चारकोल पाउडर इसमें हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। डालने के बाद जो मिक्स है गैस उसको इसमें डाल देंगे, तो जो जिसको अधिशोषित होना होगा वो अधिशोषित हो जाएगा, बाकी जो गैस बचेगा उसको पाइप के द्वारा दूसरे कंटेनर में आप कर सकते हैं। तो इनर्ट गैस को क्या कर सकते हैं, आप सेपरेट कर सकते हैं, इनर्ट गैस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, किसके द्वारा, अब मतलब अधिशोषण के द्वारा, मतलब एडसॉर्प्शन के द्वारा, किसके द्वारा, एडसॉर्प्शन के द्वारा। और यदि बातें करें तो फ्रॉथ फ्लोटेशन जो मेथड है, तो इन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में भी यूज होता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, इसके बाद का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 उसमें हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा कैसे आपका ओर का मतलब अयस्क होता है, ओर का मतलब क्या होता है, अयस्क होता है, उसको कैसे सेपरेट करते हैं वहाँ पे सीखेंगे। तो एक पाइन ऑयल होता है, पाइन ऑयल मतलब चीड़ का तेल होता है, उसको डालते हैं आपका पानी में, उसको घोलते हैं, घोलने के बाद उसमें क्या डाल देते हैं हम, मतलब सल्फाइड का जो पाउडर है, अशुद्ध पाउडर जो है और का पाउडर है उसको डाल देते हैं, तो जो उसमें इम्प्यूरिटी होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब चलाते हैं। तो जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोने से पहले क्या डालते हैं पानी में, सर्फ डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, उसको क्या करते हैं मिलाते हैं, तो झाग होता है ना, क्या होता है आपका, झाग होता है। ठीक उसी प्रकार आपका पहले वो जो चीड़ का तेल है वो झाग बनाता है, उसके उसमें जब हम लोग क्या डालेंगे, मतलब सल्फाइड ओर का पाउडर डालेंगे और उसको फिर से मिलाएंगे, तो झाग के साथ जो सल्फाइड ओर होता है हल्का होता है, हल्का होने के कारण वो झाग के साथ आ जाता है और झाग को बाहर निकाल के सुखा लिया जाता है, झाग को बाहर निकाल के क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है। इस तरह से हम लोग क्या किए, सेपरेट कर लिए, किसको, सल्फाइड ओर को। तो फ्लोट मतलब फ्रॉथ का मतलब झाग होता है, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में आपका सरफेस केमिस्ट्री का भी यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन है। तो आपको यदि एप्लीकेशन पूछेगा तो बहुत सारे बता सकते हैं, जैसे पहला बताया आपको मान लीजिए आपका मतलब हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हो सकता है, आपका जो है नमी को कम करने के लिए, आर्द्रता पर नियंत्रण कर सकते हैं, कॉल माइंस में क्या होता है मास्क का यूज होता है पॉइजनस गैसेस को रोकने के लिए, है ना। उसके बाद मेडिसिन में होता है, मेडिसिन हो गया, उसके बाद सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस हो गया। तो ये सारे जो है क्या है, एप्लीकेशन है, ये सारे क्या है आपका, एप्लीकेशन है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, आपको बता दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन आपको लिख देते हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद जो पढ़ेंगे वो है आपका कैटालिसिस। कैटालिसिस में फिर पढ़ना है हमें पॉइजन क्या होता है और आपका प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, पॉइजन क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसका जो अभी जो है बताया इसको पॉइंट को सजा के आपको लिख देते हैं, ठीक है, आसानी हो, ऐसे समझ में आ गया होगा सबको, है ना। यदि समझ जाते हैं तो आप थम्सअप स्माइली ज़रूर भेजें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग समझते हैं अभी।
जो एप्लीकेशन आपको बताया गया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना। लिख लेने से कॉपी में ठीक रहेगा, लेक्चर सुनने के बाद तो याद रहना चाहिए, लेकिन हो सकता है यदि भूल जाएं आप, इसलिए कुछ पॉइंट करके लिखवा दिया हूँ, ठीक है। यदि आपसे पूछे अधिशोषण के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन क्या क्या कहाँ कहाँ होता है तो बता सकते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, मतलब किसी जगह को आपको मतलब वैक्यूम करना है, निर्वात करना है, तो वैक्यूम पंप का उपयोग करते हैं। तो एग्जांपल क्या है यहाँ पे इसका एप्लीकेशन, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप में क्या होता है, चारकोल होता है जो गैस को क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है। फिर गैस मास्क होता है, यूज्ड इन कोल माइंस, मतलब कोल माइन कोयले के खदान में उपयोग किया जाता है। यूज्ड इन कोल माइंस मतलब कोयले के खदान में उपयोग किया जाता है। ये इसका काम क्या है गैस मास्क का, प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉइजनस गैसेस, ये जो है विषैली गैसों से बचाता है, रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, ठीक है। तो विषैली गैसों से जो रक्षा करता है उसको क्या बोलते हैं, गैस मास्क। यहाँ भी किसका उपयोग है, अधिशोषण का, किसका है। तो गैस मास्क कैसे बनाया गया, अधिशोषण का नॉलेज हुआ तुमने। सबसे पहले देखिए किसी चीज को बनाने से पहले थ्योरी आते हैं, क्या आते हैं, थ्योरी आता है, उसके बाद ही सामान बनाए जाते हैं, उसके पहले नहीं। इससे पहले पता चल गया कि अधिशोषण हो सकता है, पॉइजनस गैसों को क्या कर सकता है, रोक सकता है, तब जाके गैस मास्क बनाया। तो ये कहाँ, अब वैक्यूम पंप कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है, कहाँ बनता है, फैक्ट्री में। गैस मास्क भी कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। तो क्यों बनने लगा, आखिर हमें प्रॉपर्टी पता चला तब ना। फिर आपका एक कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता पर नियंत्रण, कहने का मतलब यदि किसी जगह पे नमी है तो उसको कम करना है तो वहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल या एल्युमिनियम जेल। तो इसका प्रॉपर्टी पता चला सबने कि भाई ये अधिशोषण करता है, मतलब जो नमी है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, अपने सरफेस पर जमा कर लेता है। तो कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी किसके द्वारा किया जाएगा, सिलिका जेल हो सकता है या फिर एल्युमिनियम जेल ले सकते हैं, ठीक है। ये सब एप्लीकेशन है। फिर रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, बिलियनों से रंगीन पदार्थों को हटाना, जैसे शुगर जो आपको साफ सुथरा आता है अभी मार्केट में जो आप लोग खाते हैं, उसका इतना साफ सुथरा क्यों होता है आपको पता है, वो तो आखिर गुड़ से बना हुआ है। जैसे ईक है, ईक से क्या करते हैं, जूस निकालते हैं, जूस निकालने के बाद उसको क्या किया जाता है, छाना जाता है, छानने के बाद उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या बनता है आपका, गुड़ बनता है। अब गुड़ से चीनी बनता है, गुड़ से क्या बनता है, चीनी बनता है। तो कहने का मतलब चीनी बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले गुड़ को घोलेंगे, जैसे पहले जो गर्मी के दिन होते थे, पहले जो मतलब मान लिया जाए कोई अतिथि लोग आते थे गर्मी के दिन में आपके घर, तो पहले चीनी तो बाद में, लेकिन शुरू में क्या दिया जाता था, गुड़ का शरबत दिया जाता था, गुड़ उसमें दही मिलाया जाता था और उसको दिया जाता था, बहुत मज़ा आता था, ठीक है। लेकिन वो देखने में काला काला टाइप का, थोड़ा भूरा टाइप का, अलग टाइप का लगता है, अजीब लगता था देखने में, अजीब इंसेंस। आजकल जो काढ़ा पीते हैं आप लोग, उसका कलर देख रहे हैं कैसा लगता है, या टी पीते हैं चाय, पहले शुरू में वही दिया जाता था, चूँकि चीनी नहीं आते थे, चीनी भी आते थे तो उतना साफ सुथरा नहीं आता था शुरू शुरू में। तो कहने का मतलब जब अधिशोषण के बारे में पता चला तो अब क्या किया जाता है, चीनी बनाने से पहले गुड़ को घोला जाता है, गुड़ को क्या किया जाता है, बड़ा सा कंटेनर में घोला जाता है, और घोलने के बाद फिर क्या किया जाता है, एक बड़ा सा टैंक होता है उसके ऊपर लगा रहता है आपका जांतव चारकोल, मतलब जैसे भी हम लोग क्या करते थे पहले, अपने जो छन्नी आ गया चाय वगैरह छानने के लिए, पहले क्या करते थे, कपड़ा छानते थे हम लोग। तो क्या किया गया है कि मतलब कपड़ा टाइप का ही रहता है, उसके बीच में जो है जैसे तकिया बनाते हैं हम लोग, तकिया के अंदर क्या होता है, रुई होता है, ठीक उसी प्रकार उसी तरह का कवर बनाया जाता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, जांतव चारकोल भरा जाता है। जांतव चारकोल का मतलब जंतुओं का चारकोल। अब जंतुओं का चारकोल मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई जानवर है उसका हड्डी वगैरह जो है उसको जलाए, जलाने के बाद अंगारा बनाए, उसको बुझाए, उसका पाउडर बनाए, तो हो गया जंतु का चारकोल, एनिमल चारकोल, मतलब जंतुओं का चारकोल लेते हैं हम लोग, ठीक करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जो शरबत बना था उस जो बेड है आपका चारकोल का जो बेड है उस पर क्या करते हैं, ढालते हैं। ढालने के बाद क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए हम लोग पहले गुड़ का शरबत बनाते थे, कपड़ा से छानते थे, तो जो भी बड़ा चीज़ होता था ऊपर रह जाता था, पार नहीं कर पाता था, है ना। जैसे आटा चालते हैं हम लोग, तो जो छन्नी होता है उसमें क्या करते हैं, चालते हैं, तो जो बड़ा बड़ा कण रहता है वो पार नहीं होता, लेकिन आटा जो है पार हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि जो कलर पार्टिकल है वो जंतु का जो चारकोल है, जांतव चारकोल है, उसके ऊपर ही रह जाता है, और नीचे जब मिलेगा आपको वो कलरलेस होगा, जैसे पानी होता है कलरलेस, उसी तरह कलरलेस आपका बिलियन मिलेगा, कलरलेस बिलियन मिलेगा, उस बिलियन से जब चीनी बनाते हैं तो चीनी क्या होता है आपका, साफ सुथरा होता है, उसमें कोई कलर दिखाई नहीं देता है, कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है, वाइट वाइट दिखता है,
तो शुगर को साफ करने में, शुगर चीनी, तो एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो ये आखिर पता चला तब ना, अधिशोषण के बारे में पता चला तब। तो सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, तो सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस का, इनर्ट तो आपको बताए थे क्या होता है, हाइड्रो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आपका रेडॉन हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, आर्गन हो गया। तो सभी गैस जो है सभी चीज पर आपका अधिशोषित नहीं होता है। तो मान लीजिए दो गैस अचानक मिल गया, दो इनर्ट गैस आपस में मिला हुआ, हम चाहते हैं उसको अलग करें, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिलेंडर में डालेंगे, उसमें चारकोल पहले से रहेगा भरा, तो हमें पहले पता करना पड़ता है कि कौन सा गैस जो है किस पर अधिशोषित होगा, उसके आधार पर उसमें चारकोल डाला जाएगा, उसके बाद उस जो मिक्सचर है गैस का उसमें डाल देंगे, तो जो गैस को अधिशोषित होना जो रहेगा वो चारकोल के ऊपर अधिशोषित हो जाएगा, बाकी तो नहीं होगा, उसको पंप से निकाल के दूसरे कंटेनर में आप रख सकते हैं। तो मतलब अक्रिय गैसों का पृथक्करण कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इनक्यूरिंग डिजीजेज, रोगों के उपचार में, रोगों के उपचार में बताया आपको कि मान लीजिए बहुत सारे मेडिसिन क्या करता है, जो कीटाणु होता है या जीवाणु होता है वो क्या करता है, अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है, जमा कर लेता है, उसको मार देता है, बीमारी से बच जाते हैं। तो अधिशोषण होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होता है, अधिशोषण होता है मेडिसिन का। इनक्यूरिंग डिजीजेज रोगों के उपचार में होता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसको पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर कितना पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग प्लवन प्रक्रम या प्रक्रिया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। तो इस फ्रॉथ फ्लोटेशन का जो यूज किया जाता है, सल्फाइड के अयस्कों को सांद्रण में किया जाता है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मतलब सल्फाइड और का पाउडर लेते हैं, क्या लेते हैं पाउडर, बड़ा सा कंटेनर लेंगे, उसमें आपका व्हील वगैरह लगा रहता है मिलाने के लिए, ठीक है, उसमें पाइन ऑयल डालेंगे, पाइन ऑयल मतलब आपका उसको बोलते हैं हम लोग चीड़ का तेल, है ना, और डालने के बाद उसको क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, झाग निकलता है, उसमें क्या डाल देते हैं, सल्फाइड और डाल देते हैं, तो सल्फाइड और हल्का होने के कारण वो झाग के साथ ऊपर आ जाता है, और झाग को अलग करके क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, अलग हो जाता है सल्फाइड और। तो कहने का मतलब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ और मेटल्स या और को अलग करने में भी किया जाता है, है ना। तो इसको पढ़ना है आपका चैप्टर नंबर 6 में। तो इतना काफ़ी है आपको, यदि इसमें से दो चार भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। तो जैसे प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए गैस मास्क हो गया, आपका कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी हो गया, फिर हो गया रिमूवल ऑफ कलिंग मेटल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, है ना, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, इन क्यूरिंग डिजीजेज, फ्रॉथ फ्लोटेशन, तो ये आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो इसको याद रखना है, जब पूछेगा राइट द एप्लीकेशन ऑफ एड्स ऑप्शन, तो ये सारे बात आप लिख सकते हैं, इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका क्या करें आप लोग, इसका आप लोग अभी अभी जल्दी से क्या करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो चलिए अभी आपको समझाने जा रहे हैं कैटालिसिस, कैटालिसिस आखिर होता क्या है। तो इसका पहले आप कहानी समझ लीजिए, क्या है कैटालिसिस। तो 1835 में एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम है बर्जिलियस। तो उन्होंने ही कैटालिस्ट के बारे में बताया। कैटालिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैटालिसिस क्या होता है। तो कैटालिसिस में क्या होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, अब वो बहुत स्लो है, लेकिन उस समय यदि किसी सब्सटेंस को उसमें डाल दिया जाए तो फिर क्या होता है कि मान लीजिए जो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन था, पहले स्लो था, वह हाई हो गया, बढ़ गया, लेकिन जिस सब्सटेंस को, जिस पदार्थ को आप डालें उस रिएक्शन में, उसका जो है केमिकली और क्वांटिटेटिवली कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, मतलब रासायनिक और मात्रात्मक रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे 2 मोल डाल दिए हम कॉपर को, तो वो 2 ही मोल रहेगा रिएक्शन के बाद भी, लेकिन वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज मतलब इनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है।
तो जैसे एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कैटालिसिस क्या होता है, वो आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जाए, फॉर एग्जांपल ले लें कि पोटेशियम क्लोरेट लें, तो पोटेशियम क्लोरेट का जो फॉर्मूला होता है KClO3, इसको पढ़ते हैं हम लोग पोटेशियम क्लोरेट, और नीचे लिखते हैं दिक्कत ना हो देखने में। फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझिए, कैटालिसिस को समझा रहे हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट लेंगे KClO3, इसको पढ़ते हैं बच्चे पोटेशियम क्लोरेट, ये है आपका पोटेशियम क्लोरेट। यदि इससे हमें चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, डाइऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ही डाइऑक्सीजन भी बोलते हैं, क्योंकि O2 से लिखते हैं ना। जैसे हाइड्रोजन को बोल सकते हैं डाइहाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन को बोल सकते हैं डाइऑक्सीजन, है ना। यदि आपको ऑक्सीजन चाहिए इससे, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं, डिकम्पोजिशन, इसको डिकम्पोज करते हैं कितना टेम्परेचर पर, 653 से लेके 873 केल्विन ताप पर, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन का मतलब वियोजन होता है, टूटना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, वियोजन, टूटना। इससे हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो उसके लिए क्या देना पड़ता है, 653 से लेके 873 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके हमें मिलता है 2KCl और 3O2, इसे बोलते हैं डाइऑक्सीजन। इसे बोला जाता है आपका डाइऑक्सीजन, ठीक है। तो यदि आपको पोटेशियम क्लोरेट से डाइऑक्सीजन चाहिए, तो इसका डिकम्पोजिशन के लिए आपको टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 653 से 873 केल्विन। और ये बहुत ही स्लो होता है, ये जो प्राप्त होता है बहुत ही स्लो, ये जो प्रक्रिया है स्लो है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसका रेट बढ़ जाए, मतलब और कम समय में आपको प्रोडक्ट मिल जाए, मतलब O2 मिल जाए, डाइऑक्सीजन मिल जाए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा प्रोसेस में क्या, ये क्या है आपका, स्लो है। ये प्रक्रिया जो है बहुत ही स्लो है, यहाँ लिख दिया गया स्लो मतलब धीमा है। क्या है, हम चाहते हैं कि ये प्रक्रिया तेजी से हो, कैसे हो, तेजी से हो। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हैं इसमें, क्या डालते हैं हम लोग, मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देंगे। मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देंगे, तो देखिए होता क्या, टेम्परेचर भी कम देना पड़ता है, टेम्परेचर भी कम देना पड़ता है, और आपको फास्ट मिल जाता है डाइऑक्सीजन, फास्ट मिल जाता है, मतलब डिकम्पोजिशन ही होगा लेकिन बहुत तेजी से होगा। तो देखिए सेकेंड फेज में क्या करते हैं हम लोग, इसको फास्ट करने, फास्ट करना चाहते हैं रिएक्शन को, क्या करते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे 2KCl, ये आपका स्लो था, ये आपका क्या है, ये आपका स्लो है, हम चाहते हैं फास्ट, रिएक्शन को क्या करना चाहते हैं, फास्ट। तो 2KClO3 है, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है कैटलिस्ट का उपयोग करेंगे, मतलब टेम्परेचर जो है यहाँ पे जो है डाल देते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, इसको क्या पढ़ते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, याद रखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड। और जब मैग्नीज डाइऑक्साइड हम डालते हैं तो टेम्परेचर बड़ी कम पर हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर जो पड़ेगा जरूरत 473 to 633 केल्विन। देखिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड जब इसको हम हीट कर रहे थे उसमें क्या डाल दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये आसानी से टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा 2KCl और प्लस 3O2 में, ये डाइऑक्सीजन है, ये क्या आपका डाइऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन फास्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका, फास्ट। फास्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैटालिस्ट दे दिए, क्या डाल दिए, कैटालिस्ट उत्प्रेरक, ये क्या आपका उत्प्रेरक है। तो कैटालिस्ट डालने से ये रिएक्शन फास्ट हो गया, क्या हो गया, फास्ट हो गया।
लेकिन MnO2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस टाइप के जो पदार्थ है, यहाँ पे MnO2 क्या है, कैटालिस्ट है, इस टाइप के पदार्थ का नाम क्या दें? तो 1835 ईस्वी में मतलब 1835 में बर्जिलियस नामक साइंटिस्ट ने ऐसे पदार्थ को बोला कैटालिस्ट। बोला क्या? बोला कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज है। यहाँ पे कैटालिस्ट के वजह से, कैटालिस्ट के वजह से क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। तो इस टाइप के जो पदार्थ है, कैटालिस्ट को सबसे पहले 1800 ये कैटालिस्ट नाम जो दिया है, उत्प्रेरक का नाम जो दिया है 1835 ईस्वी में किसने दिया था, बर्जिलियस। बर्जिलियस ने दिया, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह के जो पदार्थ हैं उसको क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, एक एग्जांपल से आपको समझा दिया गया है। और ये जो घटना है, इस घटना को बोलते हैं आपका कैटालिसिस। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज किया कौन, MnO2, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इसको डालें आप 5 मोल तो 5 ही मोल रहेगा, 10 मोल डालें तो 10 ही मोल। इसका कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका वेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब रिएक्शन के बाद भी जो था वही प्राप्त होगा। तो कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, वो प्रेजेंट यदि हो गया तो काम अपने आप हो जाता है, तेज हो जाता है। आपको केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ा रहे थे वहाँ भी कैटालिस्ट के बारे में आपको बताया गया था। कैटालिस्ट वैसे चीज होते हैं जो किसी काम को क्या करता है, तेजी से करवाता है, मतलब उसके उपस्थिति में काम अपने आप तेज होने लगता है। जैसे उदाहरण दिए थे आपको कि कोई मजदूर काम कर रहा है, यदि मालिक वहाँ नहीं तो स्लो काम करता है, और जैसे ही मालिक पहुँच जाता है तो अपने आप, मालिक काम नहीं कर रहा है, कुछ बोला भी नहीं, लेकिन सामने आ गया तो क्या होता है, काम तेजी से होने लगता है। दूसरा उदाहरण आपको बताए थे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं, अब मोबाइल में किताब तो खुला है लेकिन मोबाइल में आप बिजी हैं किसी और काम में, ठीक है, लेकिन अचानक आपको पापा या कोई आपके जो गार्जियन पहुंच जाते हैं, तुरंत क्या करते हैं, मोबाइल हटाते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब इस तरह की बातें आते हैं। तो या फिर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या है, आप हल्ला कर रहे हैं, अचानक आपका टीचर आ गए, आप शांत हो जाते हैं, बिना कुछ बोले क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो आपके जो है टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गए, ये सब आपका क्या है, कैटालिस्ट है। क्या है, कैटालिस्ट, क्योंकि इनके प्रेजेंस में आप क्या करते हैं, काम तेजी से करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट हो गया और इसका डिकम्पोजिशन जो है तेजी से हो गया, और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर भी ज़्यादा लग रहा है और आपका ये प्रोसेस क्या है, स्लो है, स्लो का मतलब धीमा है। लेकिन यहाँ MnO2 खाली डाल दिए, टेम्परेचर भी कम देना पड़ रहा है इसके तुलना में, और डिकम्पोजिशन भी क्या हो रहा है, तेजी से हो रहा है। तो ऐसे पदार्थ का जो नाम क्या रखें, तो बर्जिलियस ने रखा था कैटालिस्ट। कब, 1835 में। कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। और ये पूरा जो घटना घट रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइसिस। कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जो घटना घटेगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में जो इंक्रीमेंट होगा, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालाइसिस। लेकिन यहाँ पे कैटालिस्ट उस पदार्थ को बोलेंगे सिर्फ आपका रिएक्शन में प्रेजेंट होगा, लेकिन उसमें केमिकली और क्वांटिटेटिवली कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना। तो ऐसे पदार्थ को कैटालिस्ट कहते हैं। तो यानी कि MnO2 यहाँ पे क्या है, कैटालिस्ट है, और इस घटना को कैटालाइसिस कहा जाता है। तो कैटालाइसिस किसी पदार्थ का नाम नहीं है, ये एक घटना है, ये क्या आपका एक घटना है, ठीक है, समझ में आ गया कैटालिस्ट। अब देखिए समझिए कैटालिसिस, अब लिख भी दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैटालिसिस आखिर होता क्या है, सब्सटेंसेस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देम सेल्फ रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन आर नॉन एज कैटालिस्ट एंड द फेनोमेना इज नॉन एज कैटालिसिस। वही चीज आपको बताए, इसी से लैंग्वेज आया। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन कर देते हैं।
मतलब बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, और इस घटना को या इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तन रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण दिए कि ये भी डिकम्पोजिशन ही हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है, लेकिन इसी में हम लोग सिर्फ क्या किए, MnO2 को प्रेजेंट कर दिए यहाँ पे, इसको डाल दिए, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस पदार्थ का नाम क्या दें? तो इस पदार्थ का नाम जो है बर्जिलियस ने रखा कि जो इस तरह के काम करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उस पदार्थ का नाम बोल दो कैटालिस्ट। क्या बोल दो? कैटालिस्ट। तो कब बोले थे ये? 1835 ईस्वी में। आगे समझ में? ठीक है, इसके अंदर दो पॉइंट और पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। एक प्रोमोटर है, एक पॉइजन है। एक प्रोमोटर है, दूसरा पॉइजन है। तो चलिए फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए आइए अब देखते हैं, छोटा छोटा दो पॉइंट अब हो गया, और वो है आपका, चलिए पढ़ी लेते हैं जल्दी से, है ना। वो है आपका पॉइजन एंड प्रोमोटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोमोटर। प्रोमोटर एंड पॉइजन, इसको हम लोग बोलते हैं वर्धक एवं विस्कारक। इसका नाम है आपका वर्धक एवं विस्कारक। इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको प्रमोटर का मतलब होता है वर्धक, वर्धक मतलब बढ़ाने वाला, एवं विस्कारक। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रमोटर के ऊपर। प्रमोटर आखिर क्या होता है? प्रमोटर वर्धक किसे कहते हैं? तो कभी कभार आपका क्वेश्चन पूछे जाते कि वर्धक आखिर होता क्या है। तो वर्धक क्या है बच्चे? द सब्सटेंस विच इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड आपका प्रोमोटर। प्रोमोटर का काम होता है कि जो कैटालिस्ट है उसका क्रियाविधि को, उसका सक्रियता को क्या करता है? बढ़ाता है। जैसे कैटालिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन जो प्रोमोटर है वो क्या करता है? आपका एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को बढ़ा देता है। जैसे एक के ऊपर दूसरा आदमी होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके पापा हैं, आपके पापा हैं, तो आप अपने पापा के प्रेजेंस में कोई भी काम ठीक से कर रहे हैं, वो प्रेजेंट हो जाते हैं, आपका जो आपका आपका काम करने का रेट है मान लीजिए बढ़ जाता है। लेकिन पापा आपके कब एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं? जब दादाजी सामने होते हैं। जब दादाजी सामने होंगे या प्रेजेंट में होंगे तो आपका पापा का जो काम करने का स्पीड है यानी कि सक्रियता है और ज़्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब आप हो गए रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, कोई काम को कर रहे हैं। आपके पापा हो गए आपके लिए कैटालिस्ट, और आपके दादा हो गए प्रोमोटर। क्या हो गए? प्रोमोटर। चूंकि आपके पापा की एक्टिविटी मतलब सक्रियता आपके दादा के प्रेजेंस में बढ़ जाता है। तो इस तरह से साइंस को आप समझ सकते हैं। आगे बात समझ में? जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए पहले धीरे धीरे पढ़ रहे थे अपना रूम में, एकदम पूरा स्लोली चल रहा है, स्लोली, ठीक है, अचानक आपके पापा आए, क्या चल रहा है, कुछ बोले भी नहीं, खाली इंटर किए, तो आपका जो पढ़ने का स्पीड है ABCD हो जाता, बढ़ जाता, ठीक है, तो बढ़ जाता है। तो मान लीजिए आपके पापा जी है, दिन भर में दो चार बार आपको देखभाल करते थे, मतलब प्रेजेंट होते थे आपके काम में। लेकिन मान लीजिए दादाजी आपके घर में हैं, और दादाजी यदि घर में रहते हैं तो पापा मान लीजिए पहले आपको देखने के लिए दो बार आते थे आपके रूम में, जब आप दादाजी आ गए तो मान लीजिए पाँच बार आ रहे हैं रूम में, तो एक्टिविटी किसका बढ़ गया? पापा जी का। पापा जी का वजह से एक्टिविटी किसका बढ़ा? आपका। तो कहने का मतलब पापा हो गए कैटालिस्ट जिसके प्रेजेंस में आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं,
और आपके पापा जी दो ही बार आपको देखने के लिए आते थे, अब आने लगे 5 बार, क्यों? आपके दादाजी की वजह से। तो दादाजी यहाँ क्या हो गए? प्रमोटर। पापा हो गए कैटालिस्ट, आप हो गए रिएक्टेंट, आप हो गए रिएक्टेंट। आगे समझ में? तो ठीक वही बात है यहाँ पे। तो प्रमोटर का मतलब होता है जो कैटालिस्ट का एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है, कैटालिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है। हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग, उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, कैटालिस्ट के रूप में लेते हैं फेरस, और फेरस का जो है आपका आयरन का एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मॉलिब्डेनम लिया जाता है, एमओ फॉर मॉलिब्डेनम, 42 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मॉलिब्डेनम लिया जाता है। तो इस तरह की बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रमोटर आखिर क्या होता है, वर्धक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्धक। वर्धक का मतलब होता है जो कैटालिस्ट का एक्टिविटी को क्या करता है, इनहेंस करता है, मतलब इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। चलिए आइए लिखते हैं। तो क्या लिखिएगा? विच द सब्सटेंसेस विच इनहेंस, विच इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, विच इनहेंस हेंस द एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड प्रोमोटर इज कॉल्ड प्रोमोटर। मतलब वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक के सक्रियता को बढ़ाता है, तो उसे बढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्धक कहते हैं। या इसी को बोल सकते हैं आप, जो पदार्थ उत्प्रेरक के सक्रियता को बढ़ाता है, एक्टिविटी का मतलब क्या है? सक्रियता को बढ़ाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका वर्धक बोलेंगे, प्रोमोटर बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक उदाहरण देते हैं आपका। जैसे मान लीजिए N2 है और प्लस H2 है, और आपको मिल रहा है यहाँ पे NH3। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा NH3 है ना, NH3 है, तो N2H2। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ 3 दिख रहा है, यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा आपका? 2NH3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। आपको बता दें ये सब का सब क्या है? गैस है। ये सब का सब क्या है? गैस है। चलिए एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए N2 है, ये गैस है आपका, लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है, बाय हैबर प्रोसेस। तो याद रखेंगे अमोनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो आपका हैबर प्रोसेस से होता है। कैसे होता है? आपका हैबर्स प्रोसेस। याद रखेंगे हैबर यहां साइंटिस्ट का नाम है। इसका मतलब होता है, जिनको हिंदी चाहिए लिख लेंगे, अमोनिया का उत्पादन हैबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। अमोनिया का उत्पादन
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, अमोनिया का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? हेबर प्रोसेस। तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, जैसे आपका N2 है, ये गैस है नाइट्रोजन, प्लस 3H2 ये गैस है हाइड्रोजन, और ये बना लेता है 2NH3, और ये है आपका अमोनिया। ये क्या है आपका अमोनिया, ठीक है। तो यहां पे F ही लेते हैं हम लोग, और एक लेते हैं MO, मोलिब्डेनम। MO को क्या बोलते हैं? मोलिब्डेनम। तो यहां पे जो है आयरन के प्रेजेंस में आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट आसानी से बदलता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैटालिस्ट। और MO जो मोलिब्डेनम है ये क्या करता है, फेरस का आयरन का जो है एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो इसको बोलेंगे प्रमोटर। इसको क्या बोलेंगे? प्रमोटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रमोटर बोलेंगे। उसके बाद चलिए दूसरा नंबर आपको बताते हैं, पॉइजन इसका जस्ट अपोजिट है। पॉइजन विषकारक। अब देखते हैं विषकारक क्या होता है, ये पॉइजन आखिर होता क्या है। तो क्या बोल सकते हैं, द सब्सटेंस विच डिक्रीज या डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड, ऐसा तो होता नहीं लेकिन हो सकता है, इज कॉल्ड पॉइजन। अब बोल सकते हैं वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक के सक्रियता को कम करता है उसे क्या कहते हैं? विषकारक कहते हैं। आ गया समझ में? विषकारक का मतलब होता है जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर दे। जैसे मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, आप एक आदमी है, आपके कितने फ्रेंड है? दो फ्रेंड है। एक आपको पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं, दूसरे पढ़ाई में सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मान लीजिए आप एक फ्रेंड को जो जिसको रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको पढ़ने में हेल्प करता है, तो वो जब आएंगे तो वो आपसे क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप क्या करेंगे? उसके प्रेजेंस में पढ़ाई को अपना क्या करेंगे? स्पीड कर देंगे। दूसरा फ्रेंड आपका क्या है? खेलने कूदने वाला, तो आप पढ़ने के मूड में है, वो आएगा और बोलेंगे चलो खेल लेते हैं घंटा, या चलो मूड फ्रेश करते हैं, या चलो घूम के आते हैं। एक आ रहा है तो आपका पढ़ाई के स्पीड को बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरा जो आ रहा है आप पढ़ने के मूड में है लेकिन वो किसी और काम की ओर ले जा रहा है, तो आपको पढ़ने का रेट घटा दे रहा है एक, और एक क्या कर रहा है? बढ़ा दे रहा है। तो जो बढ़ा दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रोमोटर। जो कम कर रहा है उसको पॉइजन। तो वैसे दोस्त जो आपके काम में बाधा डाले, या आप जो करने वाले हैं आपका जो ड्यूटी है उसको छोड़ के किसी और काम में ले जाए, उसको पॉइजन आप बोल सकते हैं। अब वैसे आपके दोस्त जो क्या करेगा कि आपको पढ़ने में और उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा और मोटिवेट करेगा, तो उसको आप क्या बोलिएगा? वो है आपका प्रोमोटर है। वो क्या है? आपका प्रोमोटर है। तो इस तरह की बात हमारे लाइफ में भी होता है, चलते रहता है। कुछ कुछ लोग ऐसे जीवन में आते हैं जो प्रोमोटर बन के आते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपका पॉइजन बन के आते हैं, जो कैटालिस्ट। जैसे मान लीजिए आपके पापा आपका कैटालिस्ट है, आपके पापा आपका क्या है? कैटालिस्ट है। उसके प्रेजेंस में मान लीजिए कोई भी काम आप अच्छे से करते हैं, या आपके काम करने का स्पीड बढ़ जाता है। और आपके दो दोस्त हैं, आपके कितने दोस्त हैं? दो दोस्त हैं। वो यदि आके बोले आपके पापा को कि नहीं बेटा को और प्रोत्साहित कीजिए और अच्छे से काम करेंगे और अच्छे पढ़ेंगे, आपका बेटा बहुत पढ़ने में तेज है, ऐसे वैसे बहुत सारा चीज़ है, तो आपका बेटा आप, तो आपके पापा क्या करेंगे? यदि एक दोस्त आके आपके पापा को
आपके बारे में बताते हैं, अच्छी अच्छी बात बताते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, बिहेवियर ठीक है, ठीक से काम करता है, समय पर काम करता है, क्लास में अच्छा करता है, तो मन बढ़ जाएगा उनका, तो वो और आपको मोटिवेट करेंगे, तो और आप ज़्यादा पढ़िएगा। लेकिन दूसरा दोस्त आएगा और आपके बारे में उल्टा सीधा कुछ बता दें, तो आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं और दो चार डाटा आपको मिल गया, तो आपको पढ़ने का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो उल्टा पुल्टा बोल के गए हैं आपके पापा को, उसको क्या बोलेंगे, पॉइजन बोलेंगे। और जो आपको और मोटिवेट करने बोले हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रमोटर बोलेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, रिलेट कीजिए लाइफ में, लाइफ में हमारे लाइफ में जितने भी चीज़ होते हैं, चूँकि हम भी एक केमिकल्स हैं, हमारे चारों तरफ भी बहुत सारे घटनाएं घटते हैं जो कि साइंस के रिलेटेड हैं। तो जब साइंस को हम लोग अपने साथ रिलेट करके पढ़ते हैं तो कभी नहीं भूलते हैं। अरे एक होता है रट्टा मार लिया, रट्टा क्या मार लिया, बाह्य पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है, उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या करता है, बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे आप लोग क्या कीजिएगा, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग वर्धक कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्धक कहते हैं। उत्प्रेरक की सक्रियता को की लगाइएगा, उत्प्रेरक की सक्रियता को, उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करता है, एक बढ़ाता है। तो क्या होता है कि आपको अभी बता रहे थे कि मान लीजिए रटना है आपको, तो रटना कैसे, वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, वर्धक कहते हैं। और आपको पता ही नहीं है कि कैटालिस्ट होता क्या है, वर्धक तो छोड़िए कैटालिस्ट क्या है, तो आपको पहले ही सब कुछ बता दिया गया है, एक एक चीज़ बता दी गई, फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। तो इस तरह की बात है, और ये सारे चीज़ हमारे लाइफ में भी होते हैं, हमारे जीवन में भी प्रमोटर्स होते हैं, पॉइजन भी होते हैं। प्रमोटर जो हैं आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है, कैटालिस्ट भी क्या करता है, मदद करता है, लेकिन पॉइजन क्या करता है, टांग खींचता है। जैसे कि अब दो तीन दिन पहले जो कमेंट आया था वो पॉइजन का काम कर रहा था, वो प्रमोटर नहीं है, वो क्या है आपका, पॉइजन है। आ गया समझ में, तो बहुत सारा पॉइजन्स होते हैं, तो समझ में आ गया, पॉइजन मतलब आपका जो एक्टिविटी को कम करेगा। जैसे हम आपके लिए कैटालिस्ट हैं, हम आपका कैटालिस्ट के काम कर रहे हैं कि चलो भाई आगे मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। एक उधर से आया, आर्गुमेंट करना शुरू कर दिए, मतलब टांग खींचना शुरू कर दिए। तो हम यदि आपके कैटालिस्ट हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, और आप मेरे प्रेजेंस में या मेरे कहने पर आप बहुत सारे काम बहुत तेज़ी से करते हैं, लेकिन एक आया जो कि आर्गुमेंट करना शुरू किया, तो मेरा एक्टिविटी को कम करने की कोशिश किया, हम जो चाह रहे थे उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे। यदि मेरा ही एक्टिविटी कम हो जाएगा तो आपका भी एक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए कितना इफेक्ट पड़ता है, आप, मैं आपका कैटालिस्ट हूँ, ठीक है, मेरे प्रेजेंस में आप कोई भी काम, कोई भी स्टडी बहुत जल्दी करते हैं, रेट ऑफ स्टडी क्या ज़्यादा होता है मेरे कहने से या मेरे प्रेजेंस में। लेकिन एक जो कमेंट करने वाले आए, तो मान लिया जाए वो क्या है आपका, ऐसा ऐसा आर्गुमेंट कर रहे हैं जो कि हमको डीमोटिवेट कर रहे हैं, मतलब मेरा जो एक्टिविटी है, हम जो करना चाहते हैं, मेरा एक्टिविटी को डाउन कर रहे हैं, सक्रियता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मेरा ही सक्रियता कम हो जाएगा तो आपका सक्रियता क्या हो जाएगा, और ही कम हो जाएगा। तो वो जो कमेंट करने वाले थे वो उसको क्या बोलेंगे, पॉइजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, पॉइजन। लेकिन इनमें से ही कुछ बच्चे उनको जवाब दिए, उनको जवाब दिए, तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया, नहीं करना चाहिए काम, तो ये क्या कहलाएगा, प्रमोटर। वो क्या कहलाएगा, जो उसके अगेंस्ट में जो कमेंट किए बच्चे, होशियार बच्चे लोग, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, प्रमोटर हो जाएगा। वही चीज़ होता है रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसको उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं, और कैटालिस्ट का जो एक्टिविटी को बढ़ाता है उसको प्रमोटर बोलते हैं, और कैटालिस्ट का जो एक्टिविटी को कम करता है उसको पॉइजन बोलते हैं। तो हमारे लाइफ में भी पॉइजन है, सभी जगह पॉइजन और प्रमोटर हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज का लेक्चर आपका समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर आप लोग को सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा या समझ जाएंगे आप। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की बात है, आप लाइफ से रिलेट कीजिए साइंस को, बहुत ही मज़ा आने वाला है और कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। तो ठीक है बच्चे, आज यही अपने वाणी को विराम देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, और अब चलते हैं।
थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके दुनिया में फैला दें, लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं और जितना जल्दी हो सके बच्चे ज्वाइन करेंगे उतना ही उनको लाभ होगा। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं और सब कुछ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।